भाई ना, नाम किसी का? रिमोट कंट्रोल वो करेंगे भाई। यार लाइट बड़ी है। हाँ सर, बता दो जो आज वहाँ पे कुछ हुआ, अभी तक क्या क्या, अब तक क्या नई अपडेट है इसमें? 142 नंबर FIR जो नाभा जेल एस्केप के रिगार्डिंग रजिस्टर हुई है, उसमें आज फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो परविंदर पिंदा उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा था, उसको पुलिस रिमांड पे लाया गया, प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया था। आज उसका पुलिस रिमांड मिला है, 11 दिन का पुलिस रिमांड मिल गया और उससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरी ओर जो कल दो जेल असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट और एक स्वीट्स शॉप वाला अरेस्ट किया था, उनका भी पुलिस रिमांड 10 दिन का मिल गया है। पलविंदर पिंदा की पूछताछ से ये पता चला है कि इस कॉन्स्पिरेसी में जो उसमें काफ़ी सुराग हमें मिले हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ पे ये सारी प्लानिंग हुई थी एक रात पहले, जहाँ पे ये इकट्ठे थे, जिस घर में इकट्ठे थे, उस घर को आइडेंटिफाई कर लिया गया और उसमें जो जिसका घर है वो गुरप्रीत सिंह सन ऑफ गुरमेल सिंह रेजिडेंट ऑफ मांगेवाल डिस्ट्रिक्ट मोगा का है। ये सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए अपने वेपन्स इनके साथ, जो पुलिस यूनिफॉर्म्स हैं, सारी व्हीकल जहाँ वहीं पे उन्होंने रात को ठहरे और सुबह इन्होंने 4-5 बजे वहाँ से चले और इसको प्लान को एग्जीक्यूट करके उसके बाद फिर ये अलग अलग जगह पे भागे। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन से हमें जो लीड मिली
उसके बेस पे गुरप्रीत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। उसके पास से दो वेपन, एक 9mm, एक 380 बोर और एम्यूनिशन बरामद किया गया है। इसमें इसके पास एक स्विफ्ट डिज़ायर कार है जो मोहाली से स्नैच की हुई है, मोहाली डिस्ट्रिक्ट पंजाब से स्नैच की गई थी। इसके अलावा अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस ने इस कॉन्स्पिरेसी में तकरीबन 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनके पास से तकरीबन 7 वेपन्स और एम्यूनिशन अलग अलग कैलिबर का रिकवर किया जा चुका है। इसमें 3 व्हीकल्स जो एक्चुअल क्राइम में यूज़ गई हैं वो अलग अलग जगह से बरामद हो चुकी हैं, और इसके अलावा जो एक स्विफ्ट गाड़ी डिज़ायर है जो वो फर्दर वो भी बरामद हो चुकी है। ये अभी इट इज़ ऑल ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बारे में और क्या काम करते थे वो, मतलब इसके अलावा इट इज़ एवरीथिंग इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, टू अर्ली टू कमेंट ऑन एनीथिंग एल्स। ठीक है।